तो हे गाइस, वेलकम टू स्पाई प्रेजेंस स्पाई टॉक। और आज के वीडियो में बात करेंगे Xiaomi Mi 11 Pro के बारे में, जो कि एक 5G स्मार्टफोन होगा। और दोस्तों, इस फ़ोन में हमको सिर्फ 5G कनेक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, इस फ़ोन में हमको 5G कनेक्टिविटी के साथ कॉलगम स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ का प्रोसेसर भी देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हो Xiaomi Mi 11 Pro के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा, तो बने रहे हमारे साथ। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नाम है आपने ज़्यादा एंड यू वॉचिंग स्पाई टॉक। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला ग्लास बैक, जो आने वाला ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ। और उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस का फुल एचडी प्लस एलसीडी पैनल वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल है। और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही तेज़ होने वाला है। और उसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस फोन के रैम वेरियंट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले 2 रैम वेरियंट। फर्स्ट वेरियंट में आपको देखने के लिए मिलने वाला है 10GB के साथ 256GB रोम, और सेकेंड वेरियंट में देखने के लिए मिलने वाला है 12GB के साथ 512GB रोम। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, जो आने वाला है मी UI के साथ। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी होने वाली है 386 PPI पिक्सल डेंसिटी। और उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के रियर साइड के कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा। यानी कि दोस्तों, इस फोन के रियर साइड में आपको मिलने वाला है 4 कैमरा फैमिली में, जिसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 108 MP का, सेकेंडरी सेंसर होने वाला है 13 MP का, जो एक होने वाला है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, थर्ड सेंसर 5 MP का, जो होने वाला है डेप्थ सिंक सेंसर। और फोर्थ सेंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 MP का माइक्रो लेंस भी देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए मिलने वाला है 5 सेल्फी कैमरा, जिसका सेंसर होने वाला है 32 MP का। तो दोस्तों, देखा जाए तो इसके कैमराज का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अल्टीमेट मिलने वाला है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि होने वाला है कॉलकॉम की तरफ से आने वाला कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस, जो कि स्पेशली गेमिंग फोन में यूज किया जाता है और 5G सपोर्टेड भी है। तो देखा जाए तो इस फोन में हमको लैग एयर फिर हीटिंग के इशू देखने के लिए नहीं मिलने वाले। और उसके साथ ही बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी, जो आने वाला है 33W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और इसका फास्ट चार्जर इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट और NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस 10 to 56GB वाला इवेंट आपको लगभग मिलने वाला है 30 to 40,000 के प्राइसिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 30,000 के प्राइसिंग में मिल जाता है 5G का सपोर्ट, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस जैसा तगड़ा प्रोसेसर और 5000mAh का बैटरी भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इसके कैमराज का, प्रोसेसर का और उसके साथ ही साथ बैटरी का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अल्टीमेट मिलने वाला है। अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन और एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, तो शायद ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। और उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो 91mobiles.com के रूमर्स के हिसाब से ये फ़ोन November 18, 2020 में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, यही था Xiaomi Mi 11 Pro के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को पसंद आया। ये वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।